मैनेजर के पद पर कार्यरत शिव कॉलोनी निवासी ललित शर्मा के घर चोरों ने सेंधमारी कर करीबन 4 से 5 लाख रुपए का सामान इत्मीनान के साथ चोरी किया। मकान मालिक सप्ताह भर के लिए गुजरात धार्मिक स्थल भ्रमण के लिए सहपरिवार गया हुआ था कि पीछे से चोरों ने ताले चटकाए और आराम से चोरी की। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच कार्य शुरू कर दिया। शिव कॉलोनी ITI के नजदीक खासी रोड स्थित माया भवन में बीती रात अज्ञात चोरों ने मकान के ताले को तोड़कर घर का सारा कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं जब मकान मालिक से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे ESI विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा वे अपने परिवार के साथ एक हफ्ते से गुजरात धार्मिक स्थल पर घूमने गए हुए थे। जब वे एक हफ्ते बाद सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकान के सभी ताले टूटे हुए हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। वहीं उनका कहना है कि घर से सोने के गहने, चांदी के सिक्के, नकद कैश और इसके अलावा घर का बाकी कीमती सामान चोरी हो गया है। वहीं इस बारे में तफ्तीश कर रहे पुलिस HC संजय कुमार ने बताया कि हमें आज सूचना मिली कि माया भवन में अज्ञात चोरों ने चोरी की है। वहीं मकान मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद में कल रात को आए थे 9 बजे, 9:30-10 बजे के आसपास। गेट का ताला लगा हुआ था वो खोला, उसके बाद अंदर एक और ताला था वो खोला, तब तक ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर घुसने के बाद जब लाइट जलाई तो सारे कमरे अस्त व्यस्त पाए। है 4-5 लाख के आसपास का नुकसान। मैं ESI बहादुरगढ़ में मैनेजर हूँ। आज सुबह लगभग 9:30-9 बजे सूचना मिली है चौकी में। सूचना मिलते ही हम मौका पर गए हैं। मौका पर जाके देखा तो मामला चोरी का पाया गया, जिसमें काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। और मोदी से इस बारे में पूछा तो मोदी ने बताया कि मैं 23-12 से गुजरात धार्मिक स्थल के दर्शन करने गया हुआ था, जो आज रात को आया हूँ। तो मैंने घर पे देखा है, तो ये आज मैंने सुबह सूचना दी है। बुलाए गए, डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और आगे भी भरसक प्रयास किए जाएंगे, चोरों को जल्दी से जल्दी काबू किया जाए। लगभग 3.5-4 लाख के आसपास। स्थानीय नया बाजार